हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी वेरी फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई आचार्य कुलदीप सक्सेना वेलकम यू इन दिस ऑनलाइन वीडियो ऑर्गेनाइज्ड बाय DPS BMIC पिलारी. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 जो कि चैप्टर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में दी गई है, उसको सॉल्व करना सीखेंगे. तो प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज में आपको कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और उन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, वेरिएबल्स और कांस्टेंट दो हमारे नंबर्स होते हैं जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है. तो इक्वेशंस सॉल्व करते हुए हमें जो वेरिएबल्स दिए जाते हैं, हम उनको उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे. लेकिन इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इक्वेशन क्या होता है. तो बेटा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन दो चीज़ होती हैं. एक्सप्रेशन जिसमें कि RHS या LHS साइड नहीं दी जाती, मैंने बताया था पिछली कक्षा में भी. एक्सप्रेशंस में मान लीजिए हमने अगर लिख दिया सपोज दैट x-2, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है. क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई लेफ्ट हैंड साइड या RHS शो नहीं होती. लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 कर देते हैं, इक्वल 4 कर देते हैं, तो ये हमें पता चलता है कि इसमें दो साइड्स हमें मिलती हैं बेटा, LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड. यानी कि LHS जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है. तब हम इसे एक्सप्रेशन न कहकर इक्वेशन कहेंगे. ओके, तो इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज में जो कि 2.1 है उसमें कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और उसमें वेरिएबल्स की हमें वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको x-2 इक्वल किया जाता है 7. तो x-2 हमारा LHS है और 7 हमारा RHS है. तो आप इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटे? -2 को 7 के साथ लिखिएगा. तो आपको LHS में लिखना होगा x=RHS में 7, और इस 2-2 को हम RHS में लेकर आते हैं तो ये +2 हो जाएगा. यानी कि अब आप आसानी से x=2 क्या कर देंगे, x=9. 7-2 कितना हो जाएगा, 9. तो आपको जो वेरिएबल x था उसकी वैल्यू 9 मिल जाती है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 4 है उसको सॉल्व करेंगे बेटा. 3/7 + x LHS में आपको दिया जाता है, RHS में आपके पास 17/7 है. तो हम यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आप बेटा LHS में x ही लिखिए और RHS में 17/7 भी सेम लिखना है. बस करना क्या है, 3/7 को यहाँ LHS में ना लिखकर RHS में माइनस में लेकर आइए, ठीक है ना. यहाँ पॉजिटिव है, साइड चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस क्या बन जाएगा, माइनस. अब आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर ये दो फ्रैक्शन है 17/7 और 3/7 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है. तो 17 में से 3 माइनस कर दीजिए तो आपके पास 14 रह जाता है, अपॉन में 7 ही आएगा. यहाँ LHS में x आपको मिल जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे तो x=, आपको 7 से 14 को डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आपको बहुत ईजिली फाइंड हो जाती है. तो यही हमारा जो x वेरिएबल था उसकी वैल्यू 2 आ जाती है. ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. हेयर क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट 2x/3 इज इक्वल टू 18. 2x/3 जो है वो 18 के इक्वल है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा. तो आप ये 3 जो अपॉन में है 18 के साथ मल्टीप्लाई में ले लें बेटा. अपॉन वाली जो कोई भी नंबर अगर अपॉन में है तो वो अदर साइड में मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है. 18 के साथ 3 मल्टीप्लाई में और 2x के बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन लिख देते हैं.
अब हमें बेटा 2 मल्टीप्लाई में है तो हम केवल x लिखेंगे, x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3 और ये 2 अपॉन में ले लेंगे बेटा, जो मल्टीप्लाई वाला है वो डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 18 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, तो आपके पास x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में आप आसानी से 9 × 3 = 27 कर देंगे, तो जो वेरिएबल x था उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो 27 आ जाती है और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। क्लियर? नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, 7x - 9 = 16 है बेटे। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आपको बेटा वही करना है कि 7x सेम रखिएगा, इक्वल टू 16 ऐसे ही रखिएगा, जो माइनस 9 है RHS में इसका साइन बदल कर +9 लिख दीजिए, ठीक है ना, साइन चेंज हो जाएगा। अब आप क्या, आपको क्या मिलेगा, 7 × x = ये कितना बन गया बेटा, 25। अब आपको बेटा x इक्वल टू आसानी से मल्टीप्लाई वाला जो है 7, ये 25 के अपॉन में आ जाएगा, यानी कि अब क्या क्लियर हो गया, यहाँ क्लियर हो जाता है कि जो वेरिएबल x है वो हमारे 25/7 के इक्वल है। क्लियर? तो ये इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस में हमने जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड की है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे होंगे कि आपको 14y - 8 = 13 दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको लेफ्ट हैंड में ये जो साइड है ये लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड में 14y - 8 है और राइट हैंड में हमारे पास 13 है। यहाँ पर जो वेरिएबल है वाई है, उस वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बेटे? तो अब आपने सीख भी लिया होगा कि हमें ये माइनस एट जो दिखाई दे रहा है, माइनस एट, इसकी साइड चेंज करिए पहले। तो आप यहाँ पर जब साइड चेंज करेंगे इस टर्म की, तो बेटे आपके पास जो रह जाता है LHS में 14y रह जाता है और 13 के साथ इसको लिखते हैं, इक्वल टू हम बीच में लगा देंगे और 13 सेम लिखिए और इस 8 को साइड चेंज करेंगे बेटे तो +8 बनाएंगे। क्लियर? तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, 14 × y और इक्वल टू 13 में 8 प्लस कर देंगे तो आपका मिल जाता है 21। लेकिन आपको वैल्यू यहाँ 14y = 21, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, y की। तो हम भी, हमें 14 भी तो यहाँ से रिमूव करना है ना, 14 को रिमूव करने के लिए इसकी भी आप साइड चेंज कर देंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में y के साथ मल्टीप्लाई में है और इसकी साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाता है डिवीजन में, यानी कि y = जो हो जाएगा वो 21/14, ये 14 अपॉन में आएगा। ओके, अब 21 और 14 हम किस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं बेटा? आपको पता होगा कि ये दोनों ही नंबर जो हैं ये 7 से डिवाइड होंगे, 7 × 3 = 21 और 7 × 2 = 14, यानी कि y = जो वैल्यू है वेरिएबल y की वो हमारे पास 3/2 आ जाती है। तो यही इस इक्वेशन का क्या है बेटा, सॉल्यूशन है, यानी कि वैल्यू y की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देंगे बेटा, यहाँ पर LHS में क्या है, 17 + 6p और इक्वल टू किसके हैं, 9 के। ओके, यानी कि अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आपको xy नहीं p दिया गया है, ठीक है, p फॉर पैरट। तो यहाँ p की वैल्यू हम निकालेंगे बेटे, तो इस 17 को आपको सबसे पहले इसकी साइड चेंज करेंगे तो आप इस साइड में बेटा LHS में आपको लिखना पड़ेगा 6p और इक्वल टू 9। इसको आप अदर साइड में लेके जाएंगे साइन चेंज करते हुए तो आप लिखेंगे -17, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जब किसी टर्म की साइड चेंज करते हैं बेटे तो उसके साइन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, साइन गड़बड़ हो जाता है तो आप आंसर, ठीक आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो हम बेटे यहाँ पर -17 कर देंगे। अब आप बेटा 6 × p लिखिए, 9 में से 17 यानी कि 17 लेस करते हैं तो आपको -8 मिलेगा। ओके, इतना आप जानते होंगे। तो -8 जब यहाँ आ गया तो अब 6 को यहाँ से हम साइड चेंज करेंगे तो हमारे पास बेटा लेफ्ट हैंड में फिर p = हो जाएगा -8 और अपॉन में 6।
अब 8/6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 यानी कि पी इक्वल टू हमें मिलता है माइनस का 4/3। तो इस इक्वेशन में बेटा तो ये इक्वेशन आपको दी गई थी, इसमें जो पी है वो हमारा -4/3 के इक्वल होता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटे, ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें LHS में आपको x/3+1 इसको इक्वल कर देते हैं 7/15 के। तो यहाँ पर वेरिएबल x है और इस x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बेटे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि x/3 LHS में ऐसे ही रखिएगा, ठीक है, और प्लस वन की साइड चेंज कर दीजिए। प्लस वन की साइड चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 7/15 और -1। भाई प्लस वन LHS में, RHS में क्या लिखेंगे, -1, इतना आप जानते हैं बेटा। अब आप लिखेंगे x/3 इक्वल टू यहाँ से 15 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7-15 आएगा और अपॉन में 15 ही रहेगा। ओके, अब देखिएगा डिनोमीटर हमारे दोनों साइड्स में, जो डिनोमीटर अगर दोनों साइड्स में कोई डिनोमीटर आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो हम वहाँ काट सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम 3 से क्या करेंगे, 15 को 5 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15, नीचे 5 आ गया और हम यहाँ हमारे पास LHS में अब क्या रह जाता है x, और इक्वल टू में आपके पास बेटा 7 में से 15 लेस नहीं होगा तो 15 में से 7 लेस करिए 8, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे आप, बड़े इंटीजर का। ओके, 15 बड़ा है माइनस का इसलिए आपका साइन माइनस लगेगा और अपॉन में क्या आएगा बेटे, 5। तो आपका जो वैल्यू आपकी एक्स की वेरिएबल एक्स थी, जो एक्स वेरिएबल था उसकी वैल्यू -8/5 मिल जाती है। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन सॉल्व किए और जो हमारे वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू हमने फाइंड की है। बेटा इस एक्सरसाइज के कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी हैं समझने, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे और अपने इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर रॉन्ग नहीं होंगे। तो वो हमारे की पॉइंट्स क्या है बेटा, यहाँ ध्यान देंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था बेटा कि आपको इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन है आपकी तो आपको दो साइड्स मिलेंगी, ठीक है ना, LHS एंड RHS, और ये LHS राइट लेफ्ट हैंड साइड, RHS मींस राइट हैंड साइड के इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर कोई टर्म है हमारी यहाँ पर प्लस की तो आपको RHS में किस में लिखनी है बेटा, माइनस में, ठीक है ना, और माइनस वाली प्लस में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास अगर मान लो LHS में माइनस है तो आप कोई इस माइनस वाली टर्म को अगर RHS में लेके जाएंगे तो आपको साइन क्या लगाना है, प्लस लगाना है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और RHS से LHS में लाएंगे तो आपको माइनस का कर देना है। ऐसे ही एक और हमारा मल्टीप्लाई भी है, जैसे कुछ आपने इक्वेशंस में देखा था कि 2 मल्टीप्लाई में था, 7 मल्टीप्लाई में था, और हम उसको कहाँ ले गए थे, डिवीजन में, आपको ध्यान होगा, यानी कि हम उसे साइन चेंज कर देंगे वो डिवीजन में आ जाती है। RHS में अगर डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लाई में LHS में होगी। ऐसे ही हमारा एक और LHS में अगर डिवीजन है तो इधर साइन आप किस में लेंगे, मल्टीप्लाई में लेंगे। तो ये 4 आपके की पॉइंट्स हैं बेटा हमारी साइड चेंज करने के, किसी भी टर्म्स के लिए अगर साइड चेंज करेंगे तो आपको इन साइंस को कैसे कन्वर्ट करना है इसकी हेल्प आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी आज एक्सरसाइज 2.1 मैंने हल कराई है बेटा। मैं आशा करूँगा आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।